बुंदेली टाइम्स को देख रहे हैं आप। बड़ी खबर छतरपुर से, जहां निलंबित एसडीएम सहित अन्य आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। 11 फरवरी तक की पुलिस रिमांड थी इन आरोपियों की, लेकिन एक दिन पहले ही पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है निलंबित एसडीएम अनिल सपकाले सहित अन्य आरोपियों को। अपने ही कार्यालय में हमले के मास्टरमाइंड थे निलंबित एसडीएम, और उसके बाद इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था अन्य आरोपियों के साथ, और पुलिस ने 3 दिन की रिमांड ली थी न्यायालय से इनकी, लेकिन एक दिन पहले ही पूछताछ कर एसडीएम को न्यायालय में पेश किया है, जहां से निलंबित एसडीएम सहित अन्य आरोपियों को न्यायालय के द्वारा जेल भेजा गया है। तो बड़ी खबर छतरपुर से, जहां निलंबित एसडीएम अनिल सपकाले को न्यायालय में पेश किया गया है, और इसके बाद अब उन्हें न्यायालय ने जेल भेजा है अन्य आरोपियों के साथ। अपने ही कार्यालय में हमले करवाने के मास्टरमाइंड थे अनिल सपकाले, और इसके बाद खुद ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी कोतवाली थाने में, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया था और एसडीएम सहित अन्य नामचीन लोगों को आरोपी बनाया था, और फिलहाल एसडीएम को न्यायालय में पेश किया गया अन्य आरोपियों के साथ, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। कार्यालय में तोड़फोड़ था, उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी पुलिस रिमांड ली गई थी। पूछताछ के बाद में या जो भी उनसे बहुत सैंपल वगैरह कलेक्ट किए जाने थे, करने के पश्चात आज उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उनको जेल वारंट बनाकर उनको जेल भेजने का आदेश दिया। अभी एक आरोपी तो शेष है ही, जो सतीश सोनी करके है, वो फरार है, उसको अभी गिरफ्तार किया जाना है। इसके अलावा भी विवेचना में अगर कोई अन्य पहलू आते हैं, अन्य तथ्य आते हैं, तो आरोपी संख्या बढ़ाई जाएगी।